चिंता गई मनवा बेपरवाह। हमको शांति चाहिए, हमको थॉटलेसनेस चाहिए, हमको अच्छी गहराई की नींद रात में चाहिए, हमको सृष्टि में बहुत आराम चाहिए। शरीर का आराम तो ठीक है, सबके प्रारब्ध में है अपने अपने हिसाब से, पर मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी हो जाए सृष्टि में पर मेरा मन शांत रहे। नाउ आप मेरे को समझाओ, उस शांति के लिए मैंने कौन सी कीमत चुकाई है, मैंने क्या करा है जो मेरे को शांति ऐसे ही मिल जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी? अरे जड़ प्रकृति भी हमको मुफ्त में नहीं मिलती है, जड़ पदार्थ के लिए भी हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसे लाने पड़ते हैं, उससे हम अपने इस जड़ शरीर को सुखी कर सकते हैं। तो आप बताओ, मन मेरे को सुखी कर दे, मन से मेरे को हमेशा शांति मिल जाए, ये मेरे को बिना कीमत दिए कैसे मिलेगी? हर जगह तो मेरा मन लगा पड़ा है, हमने गहराई से बहुत विवेक से ये बात समझ नहीं है कि चाह गई तो चिंता गई, ऐसे चिंता नहीं जाएगी। अरे मेरा बेटा खुश हो जाए, उसको नौकरी लग जाए तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट गाइस। अगर वो हो जाएगा तो और 10 चीजें खड़ी हो जाएंगी। एक्शन इज अ कंटीन्यूअस थिंग, देयर आर अ सीरीज ऑफ थिंग्स, चीज चीज पर चीज पर चीज, कर्म पे कर्म पे कर्म, ये कंटीन्यूअस है, निरंतर खेल होते ही रहेंगे। चिंता ऐसे नहीं जाएगी, चाह मेरी खत्म हो जाती है तब मेरी चिंता खत्म हो जाती है। अब चाह कैसे जाएगी? देखो, अंदर में वो कीड़ा जो बात बात पे खुदकता है, जो बात बात पे मेरे को अंदर ही अंदर खाता है, किस चीज का कीड़ा है? फिक्र का कीड़ा। फिक्र कहाँ से उत्पन्न होता है? क्योंकि मेरे को चाह लगी पड़ी है। जगत सत्य है तो किसी चीज की हमारे अंदर में चाह जरूर आएगी। अंदर में मन का आराम चाह के खत्म होने पर ही आता है, डीप इंटेंसिटी से खत्म, हर प्रकार का चाह मेरे अंदर में खत्म। क्या बोला था वशिष्ठ ने राम को कि कई जन्म निकल जाते हैं, आत्म ज्ञान खाली ऐसे ही नहीं होता है, इतने सालों से जन्मों से बार बार विवेक और विचार से आत्म ज्ञान अंदर में कैच होता है, कैच होने के बाद उसकी अनुभूति होती है, और संत अनुभूति होने के बाद अंदर में निर इच्छा का स्वभाव बनता जाता है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, निर इच्छापना इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग राइजिंग फ्रॉम द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्ञान, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज। अगर मैं समझता हूँ अपनी पीड़ाओं का हल हो जाने के बाद मेरे को आराम मिल जाएगा, वो बहुत ही क्षण भंगुर आराम है, वेरी टेम्पररी रिलीफ मेंट टू गेट आउट ऑफ अवर सिस्टम इन नो टाइम। स्थिरता इज अ फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी, कंप्लीट स्टिलनेस। हाँ ठीक है ना, तो क्या हुआ? ये बहुत बड़ी समझ की बात है, बात बात में मन को हिला देना, बात बात में फिक्र में आ जाना, बात बात में भगवान को भूल कर फिर अविश्वास में आ जाना, नॉन एक्सेप्टेंस, ये कौन सी बात है? पड़ोसी पे दुनिया भर में कितनी तकलीफ आती है, तब तो हमको इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पर कोई अपने वाले के ऊपर थोड़ी भी हमको प्रॉब्लम आती है तो वो बात हम गुरु के आगे जरूर जाके करती हैं। बाकी दुनिया गई भाड़ में, हम ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म का लेना देना करें, हम अपनी नींव को इतनी उनके रहते रहते स्ट्रांग बनाए कि फिर ये जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति मेरे को वापस हिला ना सके, वापस मेरा मन इस माया के भूल भुलैया में गुम ना हो सके, वापस मुझे इच्छा पे आधारित होना ना पड़े, एक इच्छा के कारण दुख मुझे इतने मिले। संत ये थ्योरी नहीं है, ये बहुत हमको अनुभव से ये बात समझनी है।
आप बताओ कर्मों की कहानी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? उसी से तो मेरी डेस्टिनी, प्रारब्ध, हर चीज बनता है। ये कितना एक भूल भुलैया है, अनुभव भी कितना बड़ा माया जाल है। ये मेरे को मन से मेहनत करके इस बात को कैच करनी है, माया के भूल भुलैया में ये मन मेरा वापस फिस लेना, वापस इच्छा करने के लिए ये आधारित होए ना, वापस अज्ञान के दलदल में जाए ना। ऐसी मैं करूं पुरुषार्थ, इतना मैं गुरु से, ब्रह्म ज्ञानी से लेना देना करूं कि प्रकृति में कुछ भी हो जाए मैं ओन सेल्फ में खड़ा हो सकता हूं। I still find a lot of reality in my relationships। मैं दुख में दुखी हो जाता हूं तो मेरे को ये दुख सत्य लगता है ना। अभी अंडरस्टैंडिंग का गहराई, हमको अभी भी वो दुख सत्य लगता है, इतना सत्य कि वो मुझको आर पार करके चला जाता है, मेरे को अंदर ही अंदर घायल करके चला जाता है। How am I allowing myself to become so vulnerable? ऐसे कैसे हम अपने आप को बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सक्सेसफुली ऊंचाई की ओर लेके जा सकते हैं अगर मेरे मन के गहराई में इतना गंद लगा पड़ा है तो। ये गंदे मन में कैसे मेरे को ज्ञान समझ में आएगा, कैसे मैं उस सच में टिकूंगा? कब ये जन्म निकल जाता है संत, हमको मालूम नहीं पड़ता। कब तक ये श्वासें हमारे लिए हैं, कब तक बचेंगी और कब अपने आप चली जाएंगी? ये इतनी शुभ बात है कि हमारे जन्म में हमको ऐसा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। We have no idea how lucky we are. We have no idea. It is so beautiful कि ये साकार गुरु के आगे हमको बैठने को मिला। वो unconditional प्रेम का vibration क्या होता है? कहाँ हमने उस चीज को अनुभव किया होगा रिश्तों के बीच में? Unconditional प्यार होता क्या है? हमको मालूम ही नहीं था। साकार गुरु के आगे हम बैठ जाते हैं, हमारे सारे गंद पे वो पानी डालता है, वो हमारे बातों को चादर ओढ़ता है और हमको बार बार अपना ही सत्य पकड़ाता है। ऐसा सत्य का संग, ऐसा ज्ञान जो अंदर से मेरे कूड़े को खत्म करे, ये ज्ञान हमको और किसी जन्म में मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड रियली गाइस, दैट इज नॉट फनी। Why it is not funny? Because कई जन्मों के बाद, कई भटकने के बाद हमारे कानों में आत्म शब्द जाता है अंदर ही अंदर। मैं आत्मा हूँ सही है, मैं वो सत्य हूँ ठीक है, पर अभी भी रह रहकर मेरे अंदर में इच्छा अगर आती है तो अंदर में चिंता के लिए रेडी हो जाएं, अंदर में दुख के लिए रेडी हो जाएं, पीड़ा के लिए रेडी हो जाएं। क्षा मात्रम अविद्या, एक बात से दूसरी बात शुरू हो जाती है, बात बात पे बात आगे बढ़ जाती है। इतना हमको खात्मा अंदर में करना है। एक प्रकार की मेरे अंदर में जगत और माया के लिए नफरत होए, घिन होए, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट, दैट इज अ साइन ऑफ अ वेरी वेरी प्योर माइंड। एक है इच्छा पदार्थों की, अब पदार्थों की इच्छा हम करके बैठेंगे लेकिन समय अनुसार ही ये जड़ प्रकृति काम करती है। दूसरी है हैपनिंग की इच्छा, ये बहुत सूक्ष्म इच्छा है। तीसरी है जो अनुभव पहले किया उसके रिपीटेशन की इच्छा। व्हाट आर वी डूइंग? आर वी नॉट गेटिंग इनटू दिस ऑल द टाइम? Oh, we had a great time yesterday. यार, इसको हम कैसे रिपीट करें? अरे एक टाइम था 10 साल पहले, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना इज्जत कमाया, अब वो समय नहीं रहा। Those were the golden days. तो my days are golden only जब मेरी इंद्रियों के रस पूरे होते हैं, जब मेरे पास पदार्थ आता है, जब मेरे पास आराम से बेहिसाब पैसा आता है जिससे कि मैं सारी बाकी की दुनिया को कंट्रोल कर सकूं, अपने से नीचे मैं समझ सकूं। और वो टाइम मैं बोलता हूँ गोल्डन पीरियड था, वो समय अच्छा था, मेरे अनुकूल था। पर अभी जो समय है वो गोल्डन नहीं है, तो वो क्या है? वो कौन सा समय है बोलो? अरे जब
तक मेरे प्राण चल रहे हैं, वो समय हीरे से भरा हुआ है, वो सोना से भरा हुआ है, क्योंकि प्राण है तो जहान है, प्राण है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो भक्ति है, भक्ति है तो मोक्ष है। उसके बगैर हमको जाना कहाँ है संत। जितना मेरा मन इच्छा को पूरी करने में लग जाता है, बहुत आगे चला जाता है गलत रास्ते की ओर, उसको वहीं से वापस आने के लिए पता नहीं और कितना समय निकल जाता है। और वहां जाते जाते इतने कर्म हमसे बन जाते हैं, इतनी हमारी सोच धारा उल्टी हो जाती है, अपने लिए ही बंदा जीता है, अपने बारे में ही सोचता है, भले सामने वाला मरे पर मैं जी सकूं ऐसा वो बोलता है फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स बीपर्स, मेरे को क्या करना है, यू हैव टू बी स्मार्ट टू सर्वाइव, भले मेरे को उस स्मार्टनेस के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। I am saying, do what you require yourself to do. अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर बंदे का हक है, पर संतो इतना दूर में ना चला जाओ उस रास्ते पे कि वापस आना मुश्किल पड़े। याद रखना, जो गंध मैं फैलाता हूँ साफ भी मुझे ही करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो एक जन्म गंध फैलाने में लग जाए और दूसरा जन्म उसको साफ करने में लग जाए। बाकी ज्ञान कौन से जन्म में मैं लूंगा, अपनी मन की सफाई में कौन से जन्म में करूंगा, और फिर आत्म की अनुभूति में कब करूंगा संतो। हर जन्म में मेरे को कोई ना कोई घर परिवार लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, हर जन्म में कोई बच्चा होगा, कोई पति होगा, कोई बाप होगा। क्या बोला साईं बाबा ने, जब उनकी माँ मरते मरते बोलती है मेरे को अगले जन्म में अपनी माँ का मेरे को अवसर दोगे, तो साईं ने क्या बोला, हर जन्म में मेरे को एक माँ की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या, दिस इज द वे द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट। अरे सुअर असुअरी के भी बच्चे होते हैं संतो, जो आसमान में कौवा है उसके भी बच्चे होते हैं, कौन सी बड़ी बात है आपकी और मेरी, जो हमने कोई नया काम अपने इस जन्म में कर लिया। बोलो, हमको उस रास्ते पे चलते चलते वो ही सट लगने लगती हैं, उन्हीं के कर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वी ओनली लव थिंकिंग अबाउट द पीपल वी नो, अबाउट द पीपल वी स्पेंड टाइम विद। यू प्लीज टेल मी, इंटरनल क्लींजिंग इज मैंडेटरी और नॉट For any better life, is that mandatory or not? कुत्ता भी देखो कहीं से भी चोरी करता है ना रोटी, तो भी जिस जगह बैठ कर खाता है उस जगह को पहले साफ करता है, फिर बैठता है और फिर भोजन ग्रहण करता है। हम अपने मन को साफ करे बगैर ये पूरा जीवन जी जाते हैं, पूरा जीवन without a blink in the eye. We don't even realize that there is somewhere some खोट। I am saying one thing. इतना मैंने ज्ञान सुना फिर मेरा मन ये बात कैच नहीं करता, चाह गई चिंता गई। अभी भी मेरे मन में चिंता है, तो इसलिए चिंता नहीं है कि मेरा बिजनेस डाउन है, इसलिए चिंता नहीं है कि घर के प्राणियों को प्रॉब्लम है, इसलिए मन के अंदर में चिंता है, क्योंकि मन के अंदर में चाहत अभी भी है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका है क्या जिसको पकड़ के आप रखते हैं, हमारा है क्या जिसको खोने की हमको चिंता है? ये कौन सी मैं है जिसको मैं पकड़ कर रखता हूँ, ये कौन सा अहंकार है जिसको मैं इतना सजा के रखता हूँ, एंड वी टेक प्राइड इन दैट। अरे एक बैंक से हम लोन लेते हैं तो उसको सूद समत हमको वापस देना पड़ता है, जो निराकार ने मेरे को इतनी सारी चीजें हमको अनुभव के लिए मुफ्त में दी है, हम उसको मेरा करके पकड़ के ऐसे खींच के बैठते हैं। आप मुझे बताओ, हमको क्या ये कभी वापस करना नहीं पड़ेगा? जब करना पड़ेगा तो सूद समेत करना पड़ेगा। देखो घर के प्राणी भी, कोई पहले जाता है कोई पीछे जाता है, हम सब तो क्यों में खड़े हैं ना, लेकिन अगर हमको समय अनुसार ज्ञान नहीं होगा तो मन कितना पीड़ा में आएगा। पहले ही मैं जाग जाऊं, बड़ा कौन है, मैं जैसी चीज जीवित कब थी संतों जो आज मरेगी, किस कारण हम आंसू बहाते हैं, आप मेरे को बोलो।